Next question. Shri George Fernandez. प्रश्न संख्या एक आठ दो. नाम लिखिए. A and B. Yes, sir. C, as per the directions of the Supreme Court, the Ministry of Environment, Forests has constituted the Aquaculture Authority under Section 3, Subsection 3 of the Environment Protection Act 1986 to deal with the situation created by the shrimp culture industry in coastal states and union territories. The authority has been vested with all powers necessary to protect the ecologically fragile coastal areas, seashore and waterfront. D does not arise. Yes. अध्यक्ष, मैं ये मानकर चलता हूँ कि मंत्री महोदय के हाथों में सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय है जिस पर यह प्रश्न आधारित है. तो अगर उनके पास वो निर्णय हो तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो उस निर्णय की ओर एक बार नजर डालें. और उसमें जो 16 बिंदु हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसमें 16 बिंदु हैं, उनमें से एक बिंदु पर आपने यहाँ पर जवाब दिया है और बकिया 15 बिंदुओं के बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा है. तो क्या आपका सुप्रीम कोर्ट का इस आदेश का केवल पहला बिंदु मात्र आप स्वीकार करते हैं और बकिया 15 बिंदुओं को आपने नजरअंदाज किया है? हाँ, जज साहब ने जो सवाल उठाया है ये बहुत ही अहम है, लेकिन इनका ये कहना कि हमने एक बिंदु पर अमल किया है ये सही नहीं. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो मेरे सामने है और 16 बिंदु हैं और 16 के 16 बिंदु पर हमने गौर किया है और बड़े ही अदब से उसको अमल दरामद करने की कोशिश की है. पहला बिंदु ये था कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो अक्वा कल्चर को देखे और उसमें हमने बड़ी मेहनत करके अक्वा कल्चर को अथॉरिटी को बराजमान कर दिया. क्या मेहनत करनी पड़ी? मेहनत ये करना पड़ी कि ये जबानी जमा खर्च से नहीं होगा, हमको एक चेयरमैन ढूंढना है, उसके लिए काबिल लोगों को ढूंढना है. तो बहरहाल तो इसलिए और वो अक्वा कल्चर की अथॉरिटी कायम हो गई. जब आप लोग इंद्र कुमार गुजराल जैसा प्राइम मिनिस्टर ढूंढ सकते हैं तो चेयरमैन ढूंढने में क्या लगता? नहीं, बहरहाल तो हमने ये रिमार्क तो इसके साथ मुताबिक नहीं, इस क्वेश्चन के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं. रिलेशन नहीं. तो बोर्ड के चेयरमैन को बहुत काम करना पड़ता है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं. तो हमने अब सवाल ये है कि मैंने प्लीज लिसन टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और अक्वा कल्चर अथॉरिटी जो पहला बिंदु है उस पर वो अक्वा कल्चर अथॉरिटी कायम हो चुकी है और उनका कामकाज शुरू हो गया. अब इसके आगे अगर ऑनरेबल नंबर अध्यक्ष, मेरा प्रश्न बहुत साफ था कि 16 बिंदु है, मंत्री कबूल कर रहे हैं, जजमेंट उनके सामने है, एक बिंदु आपने स्वीकार किया है, जजमेंट आकर 7 महीना या 8वां महीना चल रहा है, तो आप कब उस पर फैसला लेने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको कुछ तिथियों को निर्धारित करके दिया हुआ फैसला, पहले उसका जवाब दीजिए हमें ताकि हम दूसरा प्रश्न आपसे पूछें जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है. ऑनरेबल मेंबर को ये मालूम है कि ये केस अभी से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है. अभी तो 20 अगस्त को जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उनका रिव्यू पिटीशन है उनके सामने. सवाल ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके फैसले जो है उसके हम पाबंद हैं, मगर हम एक समाज में रहते हैं, उसके जो असरात होते हैं हुक्म के उनको इम्प्लीमेंट करते वक्त समाज पर जो असर पड़ता है उसको फिर कोर्ट में लौटाना होता है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक हमने ये इम्प्लीमेंट करना चाहा और क्या सूरत बन गई और फिर कोर्ट के पास जाते. सुप्रीम कोर्ट से बाहर और उनके आदेश के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी हम हैं. अध्यक्ष, मुझे ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी को सरकार के अन्य मंत्रालयों में क्या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो रहा है इसकी जानकारी ही नहीं है. क्या राज्यसभा में आपने कानून लाकर इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही मिटाने का निर्णय नहीं लिया है? और क्या वो कानून को कल या परसों इस सदन में आप नहीं ला रहे हैं?
और उसके बाद आप मुझे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्देशों का अमल, उसका अमल करने के काम में हम लोग लगे हुए हैं। तो हम जानना चाहते हैं मंत्री जी से कि अगर सरकार, अगर ये मामला रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने था तो फिर यहां पर कानून लाकर उस निर्णय को बाध करने का आपको क्या जरूरत पड़ी? यानी क्या सरकार बड़े पैसे वाले शक्तिवान लोगों के लिए ही ये सरकार है और जो छोटा किसान और वो जो छोटा मछुआरा है, जो आपका इस आज का ये प्रॉन फार्म्स जो है उसके चलते मारा जा रहा है, उसके बारे में ये सरकार नहीं सोचेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरा अमल करने के लिए कदम नहीं उठाएगी? जार साहब, जो ये पोजीशन ले रहे हैं कि इधर बिल लेकर नहीं आना चाहिए, तो बहुत गलत बात है। सवाल ये है कि हमारे संविधान में तीन बहुत बड़े अदारे हैं, तीन बड़े सुतून हैं। ये लेजिस्लेचर है, आवाम की नुमाइंदा जमात यहाँ बैठी है जिनको कानून बनाने का अधिकार है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को या किसी और कोर्ट को उन कानूनों को परखने का, इम्प्लीमेंट करने के सिलसिले में राय देने का पूरा हक है। इसलिए यहाँ अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में बिल रखा तो अपने इख्तियार में रखा, और यहाँ जो बिल आ जाएगा उस पर ऑनरेबल मेंबर और दूसरे लोग राय दे देंगे, फिर ही कानून बन सकता है। इन्होंने इसलिए लाया, अब इन्होंने ये भी प्रश्न पूछा था क्यों ज़रूरत महसूस हो गई। इसलिए ज़रूरत महसूस हो गई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्रिम्प कल्टिवेटर्स का, उन्होंने ये मान लिया था जो ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, कदीम तरीके से करेंगे, पुराने तरीके से करेंगे, या उसमें साइंस के जरिए इम्प्रूव करेंगे, उन फार्म्स पर उन्होंने नहीं कहा डिसमेंटल करने के लिए। लेकिन उनके आदेश में ये था कि इनको डिसमेंटल कर लें जो एसपी है या डीएम है। लेकिन ये सूरत बनी कि वहाँ ये देखा गया कि इसमें ये रुकावट है कि इससे लोगों का रोज़गार एक तरफ छिन जाएगा, और शायद जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अपने प्रेयर में बताया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अलगर स्वामी जो बड़े माहिर माने जाते हैं, उन्होंने सेमिनार में बात कही थी या उन्होंने दूसरी रिपोर्टों का लिया था, इनका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये दरख्वास्त है कि आप देख लीजिए अच्छी तरह से कि अगर हम ये डिसमेंटल करेंगे उसके क्या असरात मुरतब होंगे। ये बहुत बड़ा सामाजिक मसला है, आपको छोटे फार्म की फिक्र है, मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादा क्योंकि मैं कॉमर्स का वजीर नहीं हूँ कि 3,000 करोड़ के तकरीबन आपको विदेशी मुद्रा मिली है तो उसके लिए छोटे आदमी को मारा जाएगा 3,000 करोड़। नहीं, आप मेरी अर्ज सुन लीजिए, मैं वो बात नहीं कहूँगा कि विदेशी मुद्रा भी मिलती है, मगर मैं ये कहूँगा कि अगर इसी तरीके से डिसमेंटल होते शायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो स्प्रिट है वो नहीं रहती। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ये कहा है कि अपने नाम्स जो उनके हैं, ये असल में ये जो फिशिंग का हिस्सा है श्रिम कल्टिवेशन, इसीलिए एग्रीकल्चर में फिश कल्टिवेशन जो है वो एग्रीकल्चर का हिस्सा है। उन्होंने जो गाइडलाइंस बनाई हैं, गाइडलाइंस बताया जाता है, आई एम टोल्ड सर दैट दीज गाइडलाइंस आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, देयर कैन बी नो पोल्यूशन इफ दीज गाइडलाइंस आर इम्प्लीमेंटेड। और मेरा काम भी है एज मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट दैट आई विल प्रोटेक्ट दी कोस्टल लाइन, आई विल इंस्टीट्यूट एन एजेंसी इफ इट इज नॉट ऑलरेडी देयर। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड इंस्ट्रक्टेड ऑल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इन ऑल दी स्टेट्स एंड दिस कोस्टल लाइन वॉज रिसेंटली एग्जामिन्ड ऑल्सो, दोज प्रिकॉशंस विल बी टेकन, बट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेनिंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ साइड्स। एज अ मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट सर, आई टेक अ पोजिशन, आई एम इन द मिडल। सम पीपल से डेवलपमेंट इज नथिंग, इट इज ट्रैश, एनवायरमेंट इज एवरीथिंग। अदर्स कम, दे टेक इक्वली अपोजिट स्टैंड, आई एम इन द मिडल। वी शैल हैव डेवलपमेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, वी शैल प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट बट विद मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल टू हैव डेवलपमेंट एज ऑल्सो प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। एज फॉर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, I salute Honorable Supreme Court. It has a constitutional position. I cannot go against that. We shall implement the orders, but we shall see what is happening on the grassroots level. Shrimati Krishna Bose.